प्लानिंग का काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मैंने आज एक वीडियो बनाया अपने आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उस चैनल पे देख लेना कि प्रोजेक्ट किसी को, अगर हम किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसको क्या क्या चीजें बतानी चाहिए जिससे कि उसको लगे कि नहीं यार हमारा काम अच्छा हो रहा है। चलिए तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम प्रोजेक्ट किसी से लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें करके हम इजिली प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, और अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करना, साथ ही साथ अपने क्वेश्चन जरूर कमेंट करना क्योंकि आपका क्वेश्चन ही मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है। तो दोस्तों अभी देखो यार कंपटीशन हर जगह पे है, मतलब मैं खुद भी काम कर रहा हूँ लेकिन मैं जब एक टेंडर मैं भरता हूँ तो मेरे साथ 200 लोग वहाँ पे टेंडर भर देते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि किसी एक को मिलेगा, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि किसी एक को मिलेगा। ऐसे में हम अपने नाम को कैसे आगे लेके आए, ऑलरेडी अगर आपके सिटी में 2-4 बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसको करने का सबसे सॉलिड तरीका जो मैंने अपनाया और जो करना चाहिए, आई थिंक क्योंकि मैंने वही किया जो करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो ये है कि हम देखें कि सामने वाला जो प्रोजेक्ट करके दे रहा है वो क्या प्राइस में दे रहा है। पहली चीज, उस प्राइस में क्या मटेरियल यूज कर रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उस प्राइस में क्या मटेरियल यूज कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। उसकी कमजोरी को देखो, वीकनेस को देखो कि यार वो क्या क्या चीजों पर गलतियां कर रहा है या क्या क्या चीजों पर फोकस नहीं करता है बिल्डिंग बनाते टाइम। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, पहली बात तो क्लाइंट आपके पास आएगा कैसे ये भी मैं समझाता हूँ। क्लाइंट को लाने का आज के टाइम में सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप जाते हैं तो SMM बोलते हैं उसको, और इसमें क्या होगा कि आपको फेसबुक पे एक छोटा सा चाहे पेज बना सकते हैं या फिर अपने आईडी के थ्रू ही कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार करो, उन मॉडल्स को शेयर करो, उसमें अपना ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर सकते हो। और ये सोशल मीडिया की लोकल मार्केटिंग होती है कि आपके आसपास लगभग 4-5 किलोमीटर में जितने डिस्टेंस में आप चाहते हो कि वो पोस्ट देखी जाए उसके लिए रीच करवा सकते हो। लगभग 100-200 रुपीज लगते हैं उसके, तो प्रॉपर रीच हो जाता है उस एरिया में। अगर आपका कुछ भी मॉडल अच्छा है तो जरूर किसी न किसी को फोकस जाने वाला है उस चीज पे, और वो आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करेगा व्हाट्सएप पे या ऐसे करके कि यार अपना मॉडल दिखाना। मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रोजेक्ट देने वाला है, वो आपसे बोलेगा कि आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया, तो आपने जो भी डेमो प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर करो। हो सकता है आपका वो रिलेटिव हो, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे आपके बहुत से रिलेटिव मिल जाते हैं, तब तो आपको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा बिलीव आपने अगर बनाया होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर आपके रिलेटिव्स के साथ अच्छा होगा, तो इजिली वहां पे ही आपका प्रोजेक्ट डन हो जाता है कि आपको मिल जाएगा डिजाइनिंग के लिए एटलीस्ट। बट मान लीजिए कि रिलेशन से नहीं, कोई ऐसे ही XYZ पर्सन आया, तो अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्राइस ले रहे हो। तो आप हो सकता है, जैसे कि मेरा खुद का प्राइस 1400-1500 रुपीज है पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल। तो अब ये मेरे एरिया में, आप लोग अपने एरिया में मत ये प्राइस यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि मेरे एरिया का मुझे प्राइस पता है कि मटेरियल का क्या कॉस्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है। अब आपके एरिया में हो सकता है कि, मैं भी एक बच्चे से बात कर रहा था, बंगाल का वो था, तो उसका जब उसका मैंने रेट लिया तो उसका रेट ये था कि उसके यहाँ पे जो सैंड मिल रही वो 25,000 पर स्क्वायर फीट अब इतना कॉस्टली, और हमारे पास 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में हमको मिल जाता है मटेरियल। तो हमारे एरिया का जो प्राइस है वो मैं लेता हूँ 1400-1500 रुपीज स्क्वायर फीट। तो आपको ये पता करना है कि एग्जैक्टली क्या क्या मटेरियल लगने वाला है और इस मटेरियल का क्या प्राइस है। और सामने वाला आपसे पूछने वाला है कि आप इतने प्राइस में क्यों करके दे रहे हो, इस सामने वाला तो इस प्राइस में करके दे रहा है, तो हो सकता है आपको वहां पे कॉस्ट भी रिड्यूस करना पड़े। बट आप चाहते हो कि कॉस्ट ज्यादा रिड्यूस ना करना पड़े, ज्यादा कम करना ना करना पड़े, क्योंकि सामने वाला तो थोक में लेगा क्योंकि ऑलरेडी वो सेलर मतलब अच्छा खासा उसने बना रखा है, तो ज्यादा मटेरियल लेगा तो उसको सस्ते में मिल जाएगा, तो वो सस्ते में काम करके दे रहा है। अब आप कैसे उस बीच में सर्वाइव करोगे, तो आप पता करो कि उस सामने वाला जो भी बिल्डर या कॉन्ट्रेक्टर है उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी कैसे हो सकती है, उसकी मॉल्डिंग में क्या वो दम नहीं है। थोड़ा सा सोचो उसके मॉल्डिंग के बारे में, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा उसके मॉल्डिंग क्या पिक्चर्स वगैरह निकाल सकते हो तो निकालो। क्या उसके प्लानिंग में थोड़ी बहुत वीकनेस है, मतलब प्लानिंग उसका इतना बेहतरीन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप उस पॉइंट को भी नोट करो। क्या उसके स्ट्रक्चर में उतना दम नहीं है, हो सकता है वो बीम कॉलम पे ज्यादा फोकस नहीं करता हो या फुटिंग वो नहीं लगाता हो जो फुटिंग लगनी चाहिए। तो उसके स्ट्रक्चर्स को आपको देखना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर में क्या वीकनेस है, मींस उसके ओवरऑल वर्क में क्या वीकनेस आती है, हनीकॉम पे फोकस नहीं करता या
लाइक क्या बोलते हैं डैम प्रूफिंग नहीं करता, या फिर प्लास्टर का सही से प्लास्टर्स नहीं करता, उसकी थिकनेस जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे करता, या ग्रेड ऑफ कंक्रीट सही से यूज़ नहीं करता जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ों को जब सर्च करेंगे आप, या हो सकता है आपका टाइल जो है वो टाइल में इतना बेंड रहता हो कि लगने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता हो, या फिर उसके प्लास्टर्स में थिकनेस वो सही तरीके से स्लोप नहीं आता हो कि जो स्लोप चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप निकाल सकते हो। जस्ट थोड़ा सा आपको सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हो उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हो, आपको ही पता है कि अगर फुल टाइम दोगे तो मैक्सिमम एक हफ्ते से 15 दिन में आप सारी न्यूज़ निकाल सकते हो। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो उन्होंने सोसाइटी बनाई है उसमें जाके उनसे पूछ सकते हो कि यार ये आपके सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है, या फिर सही तरीके से वायरिंग का प्रॉब्लम है, जो भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम्स है सारे आप नोट डाउन कर सकते हो। और जब आपके साथ क्लाइंट की मीटिंग होती है जिसको अपना घर बनवाना है, तो पहले तो आप उसको अपना प्राइस बताइए, उसके साथ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंटी दिखाइए। जैसे कि ट्रांसपेरेंट कैसे, कि हम जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं हम आपको पहले से बता के रखते हैं कि हम ये मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। सर अगर आप दूसरे से करेंगे तो वो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल देंगे, हम नहीं जानते या आप भी नहीं जानते को कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, और आप सबको पता है कि सीमेंट या फिर कोई भी एक्स वाई जेड मटेरियल जो सिविल का है उसके अंदर वेरिएशंस ऐसे हैं, मतलब कोई मटेरियल इतने का है तो कोई सेम मटेरियल उसका क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप थोड़ा सा हमको ट्रांसपेरेंट करिए, अपने काम को बताइए हम ये यूज करने वाले हैं। जैसे वो बोलते हैं कि यार सामने वाला तो ये प्राइस में और ये चीज़ें हमको दे रहा है, तो आप बताइए कि देखिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था और इस प्रोजेक्ट में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे करना पड़ता है। मैं बहुत सीक्रेट टिप्स आपको बता रहा हूँ, तो यार इस टिप्स के लिए लाइक तो जरूर कर देना। कोई एक पर्सन है जो मेरे से इतना ज़्यादा खफा है वो मेरा वीडियो डिसलाइक करके चला जाता है, कोई बात नहीं यार, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दिया करो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके साथ जो कर सकता हूँ हेल्प करूँगा। तो मैं आपको बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ कि जैसे उसके वीकनेस जो भी है वो वीकनेस आप बताइए कि ये वीकनेस है आपकी और इसकी वजह से क्या बोलते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट करवाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। हमारे प्रोजेक्ट को अगर आप करवाएंगे तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आएंगी, इसको मैं लिख के देता हूँ, एक बार मुझे पर भरोसा करिए। और मैं अगर आपको काम दूंगा उसके बाद चाहे तो आप मुझे जो भी मेरा एक्स अमाउंट मुझे चाहिए तो मुझे दे दीजिएगा, इसके बाद का अगर आप हैप्पी होते हैं तब आप ये एक्स अमाउंट दे दीजिएगा। आप काम को देखते हुए हमारे पेमेंट को पेड करेंगे तो भी हम मना नहीं करेंगे आपको। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हमको अपना काम बेस्ट करके देना है। तो आप जब वीकनेस के बारे में शेयर करेंगे सामने वाले का दिमाग थोड़ा सा हिलेगा कि यार हाँ यार ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या करूँगा, ये प्रॉब्लम हो गई स्लोप नहीं आया सही तरीके से तो फिर क्या, फिर से तोड़ूंगा पूरे प्लॉट को, नहीं अगर मैंने लिफ्ट लगाया उस पर अगर सही तरीके से रिटेनिंग वाली यूज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी, ये सब एक्स वाई जेड बहुत से फैक्टर्स रहते हैं। और मैं आगे भी और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो जो फैक्टर्स याद रखने चाहिए और समझदारी से उसको फोकस करना चाहिए जो कि क्लाइंट को हैप्पी करता है, क्लाइंट को लगता है कि नहीं ये ट्रस्टफुल पर्सन है। और हाँ, हमें भी ऑनेस्टी के साथ उनको बोलना चाहिए कि हम अपना काम बेस्ट करके देंगे और आपको देना भी चाहिए। आपको पैसा कम बचे, कल एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज किया था कि सर मैं बहुत कम प्राइस पे काम करता हूँ इसलिए मेरे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। उसका एक प्रोजेक्ट भी उसने मुझे शेयर किया है, बट मेरा भी ऑफिस का प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं खुद ही बिजी हूँ तो मैं देख नहीं पाया, आज देखूंगा उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसमें बीम से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट उसके पास है तो अच्छी बात है। तो उसने बोला कि हम कम प्राइस में और दिन भर कंटिन्यू हमारे पास मटेरियल बने रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ऐसा मत लगा दो कि सामने वाला बोले नहीं यार ऐसा जरूरी नहीं कि हम इतना ही इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशंस वो एफोर्ड कर सकता है आपके साथ। तो ये सब चीज़ें आप दिखाइए, साथ ही साथ उसको 3D मॉडल्स अच्छे अच्छे शेयर करिए कि हम ये 3D मॉडल्स एग्जैक्टली हम लोग यही बनाने वाले हैं, इसमें ये मटेरियल यूज़ करने वाले, ये मटेरियल यूज़ करने, थोड़ा सा उसको उस लेवल पर जाके समझाइए जहाँ से वो समझ सकता है क्लाइंट आपका, और उसको लगता है कि नहीं यार ये बंदा जो है ना मुझे क्वालिटी अलग देने वाला है और मैं इस पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली अगर आपका एक प्रोजेक्ट अच्छा हो गया, बिलीव करिए सिविल का जो भी इंडस्ट्री सिविल में बूम करता है वो केवल एक प्रोजेक्ट से बूम करता है और एक प्रोजेक्ट से ही उसका कैरियर बनता है और एक ही प्रोजेक्ट से उसका कैरियर बिगड़ जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बनाना है या बिगड़ना है। क्यों बिगड़ जाता है, अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया और सपोज उसका इनोग्रेशन होता है और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं या फिर कोई भी देखने के लिए एक्स वाई जेड आता है आपके प्लॉट को और आपने अगर गलत काम करके दे दिया है, बिलीव करिए आपका मार्केट में इतना जल्दी नाम खराब होगा कि यार उस इंजीनियर से बनवा लिया और इस तरीके से प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ रही है। वहीं भी अगर आपने उस काम को बेस्ट करके दे दिया, आपने ज़्यादा अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, बिलीव करिए जितने लोग आएंगे उनके घर पे बोलेंगे यार किसने किससे बनवाया और उनसे नंबर भी लेंगे। एक घर बना के मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कम से कम 100 घर आप उसी घर से मिलेगा आपको। तो ये फायदा होता है सिविल इंडस्ट्री में। अब आपकी मर्जी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फील्डिंग करनी है या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए करके
गायब होना चाहते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करो, मैं खुद भी लॉन्ग टर्म पे बिलीव करता हूँ। सो इस वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, बहुत सी चीज़ें आपका माइंड दौड़ा होगा। मेरा यही एक टारगेट है कि मैं आप तक उस चीज़ों को पहुंचा दूं जिससे आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, सारे काम आप इजिली कर सकें, आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। आगे मैं आपको वास्तु के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे यार दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहो। कल बहुत लोगों ने सपोर्ट किया आकाश पांडे ब्लॉग को, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रोजेक्ट करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं, मैं उस पर ही शेयर करूँ। इस पर सिर्फ मैं सिविल के ही कॉन्टेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए उसको। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, या कम्युनिटी पर भी जाके आप देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।